मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और ये हम लोग प्रतापगढ़ में, आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का आंवला है और मोर ओवर सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन आंवले का हो रहा है पिछले कई दशकों से, वो प्रतापगढ़ में है। इवन भारतवर्ष में जितना भी हम लोग आंवला कंज्यूम कर रहे हैं, मोर ओवर वही की सारी डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन, इवन प्लांट्स एंड ऑल का। सो ये हम लोग आंवले के प्रोडक्ट्स मैडम बनाते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं सारे डिस्टिंक्ट मिलेंगे आपको। और इनमें इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा कच्चे आंवले को प्रोसेस नहीं किया गया है, हीट का इंट्रैक्शन बहुत कम रखा गया है, मेटल इंट्रैक्शन ना के बराबर रखा गया है, सो दैट जिस न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ के साथ में आंवला, कच्चा आंवला प्लांट में अवेलेबल है, मोर ओवर इवन आफ्टर प्रोसेस होने के बाद भी इस तरीके से अवेलेबल हो कि हम उसको अपनी डेली रूटीन में रख सकें। और हमारी रूटीन में आजकल मार्केट की बिहाफ पे इतना ज़्यादा प्रोसेस करके आंवले को दिया जा रहा है, टेस्ट के हिसाब से बनाया जा रहा है, सो दैट जिसमें क्या है न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। सो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उनमें मोर ओवर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो एक आंवले में जो रॉ आंवले में जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है वो भी सेव्ड हों, टेस्ट वाइज भी ऐसा हो कि इसको कंज्यूम किया जा सके। तो आंवले से कितने तरीके के प्रोडक्ट्स, मतलब आपने यहाँ पे क्या? मैम अराउंड 24 प्रोडक्ट्स हम प्रोसेस करते हैं, जिसमें जैसे आंवला जूस, कैंडी, चटपटी, मुरब्बा, लड्डू, बर्फी, चटनी, अचार, और इनमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे आंवले का जूस है तो वो प्योर एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में है, पेस्ट के फॉर्म में है, या नो हर्ब्स के साथ में है, या पेस्ट है तो वो डाइजेस्टिव हर्ब्स के साथ में है, मुरब्बा है तो 3-4 कैटेगरीज में बन गई, विद द सीड, विद द सिरप, विदाउट सीड, विदाउट सिरप, विदाउट सीड, विद सिरप, तो ऐसे करके करीब 24 से 25 कैटेगरी हम लोग डेवलप करते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको आंवले के लड्डू एंड बर्फी भी मिलेंगे। नॉर्मली जो मुरब्बा खाने से आपने देखा होगा ना 60-70% शुगर एंड कैलरीज एंड ऑल हमें मिलती हैं, उससे अच्छा है कि इसको हमने इस तरह से डेवलप किया जिसमें आपको आंवले का पूरा इंटैक्ट फाइबर भी मिल रहा है, कैलरी की मात्रा बहुत कम मिल रही है, और ड्राई फ्रूट्स पल्प के साथ में कार्डमम एंड ऑल का नेचुरल पाउडर उसको एज अ फ्लेवर डेवलपमेंट के तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में बूंदी का लड्डू अगर आप खाते हैं तो वो इनसे कई गुना एक्सपेंसिव है, एंड एज वेल एज अगर शेल्फ लाइफ की मैं बात करूँ तो 6 से 7 महीना 8 महीना बिना फ्रिज के भी किसी भी वेदर में इसको आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इनमें जितने भी ऑयल आपका पिकल एंड ऑल बने हुए हैं उनकी कोशिश ये करी गई है कि उनको नेचुरल ऑयल से बनाया गया है, मटेरियल को रॉ रखा गया है, बॉयल नहीं किया गया, इनका मोर ओवर मेटल इंट्रैक्शन नहीं है, और सिंथेटिक प्रिजर्वेशन के बिना, एस्टिक एसिड एंड ऑल के बिना हम लोगों ने इसको प्रिजर्व किया है। कैंडीज़ जैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें डायबिटिक पेशेंट्स भी जिन कैंडीज़ को मोर ओवर इस्तेमाल कर सकें, जो नॉर्मली आजकल कैंडीज़ आती है आपने देखा मोर देन 70% शुगर के, वो चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी, और रेगुलर रूटीन स्वीट कैंडीज़ भी हैं एज वेल एज दैट सॉर्ट ऑफ कैंडीज़ विच कुड बी कंज्यूम बाई इवन एंड डायबिटिक एंड ऑल पेशेंट्स एज वेल। ओवरऑल इट इज़ प्रोसेसिंग एंड हमारी कोशिश ये है कि हम किसी भी तरीके से मैक्सिमम लोगों तक जाएँ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर विल मेक इट प्रोसीड। यहाँ जैसे आप आए हैं यहाँ किसकी हेल्प से आप? ये जो यूनिट है आपकी, चूँकि खादी ग्राम उद्योग से स्टार्ट करी गई थी, उसमें रजिस्टर्ड है एंड उसके द्वारा ही जो है हम लोग काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा, तो उसके बिहाफ पर भी हमें खादी की यूनिट होने की वजह से भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिला है।